यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन जिले के 6 केंद्रों पर चल रहा है, जिसमें लगभग 64% उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा हो चुका है। सोमवार को संयुक्त शिक्षा निदेशक सत्यम मंडल योगेंद्र प्रताप सिंह व जिला विद्यालय निरीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया ने मूल्यांकन केंद्रों का निरीक्षण किया और स्थिति से अवगत हुए। इस संबंध में जेडी योगेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जिले में 64% उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन का कार्य पूरा हो चुका है। उम्मीद है 22 मई तक सभी मूल्यांकन कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। इसके अलावा पूरे मंडल में मूल्यांकन का कार्य प्रगति पर है, जो जल्द पूरा हो जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संयुक्त शिक्षा निदेशक योगेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, है ना, ये आप पूरी तरह से जीरो होना चाहिए, जहां गलत है उसमें जीरो होगी, जीरो नंबर है। जनपद गोरखपुर में जो मूल्यांकन हमारा लगभग 64% हो चुका है और मंडल गोरखपुर में हमारी स्थिति काफ़ी अच्छी है और भी अच्छी है। कुशीनगर जनपद में हमारे 4 मूल्यांकन केंद्र थे, सभी पर मूल्यांकन समाप्त हो चुका है और महाराजगंज में 3 मूल्यांकन केंद्र थे, 2 मूल्यांकन केंद्र आज समाप्त हो गए हैं और 1 मूल्यांकन केंद्र 2-3 दिन और चलेगा। और देवरिया में 9 मूल्यांकन केंद्र थे, वहाँ पर हमारे 8 मूल्यांकन केंद्रों पर मूल्यांकन समाप्त हो चुका है, 1 मूल्यांकन केंद्र कल समाप्त हो जाएगा। और यहाँ जो 6 मूल्यांकन केंद्र हैं उसमें लगभग 64% मूल्यांकन हमने कर लिया है आज की तारीख तक और हमें उम्मीद है कि हम 22-23 तारीख तक पूरा मूल्यांकन कर लेंगे।